हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपना सेकंड नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने बात करी थी माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनके यूजेस, उनके हार्मफुल इफेक्ट, उनसे होने वाली डिजीज़, ये सारा अपना कंप्लीट हो गया था। प्लस में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मैंने आपका लास्ट टॉपिक जो था वो क्लियर कर दिया था। आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिनका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस मेटल और नॉन मेटल को जानने के लिए हमको सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए उसका नाम है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, देखो जितने भी मैटर या मटेरियल अपन को दिखाई देते हैं, पदार्थ जितने दिखाई देते हैं वो सभी एलिमेंट के बने होते हैं। अलग अलग मटेरियल के एलिमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स है वो अलग है, ये अपना प्लास्टिक गुड़ है तो इसका अलग होगा, ये अपना आयरन है तो आयरन के मॉलिक्यूल्स या फिर एलिमेंट अलग अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जैसे कि कोई आपके पास ये मैटर है, क्या है ये मैटर है, मैटर यानी कि पदार्थ, वी गो ऑन डिवाइडिंग, हम इसको आप बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ते चले जाएंगे। हम इसको तब तक तोड़ेंगे जब तक कि इसका लास्ट वाला पॉइंट टूटे नहीं, डिवाइड ना हो पाए। ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट रहेगा, इनडिविजिबल, क्या रहेगा, इनडिविजिबल यानी अभाज्य, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो पदार्थ का या मैटर का ऐसा पॉइंट या ऐसा जो कण है, पार्टिकल, मैटर का ऐसा पार्टिकल जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता हो, ऐसा पार्टिकल जो इनडिविजिबल हो, अभाज्य हो, वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट, क्या कहलाएगा, एलिमेंट कह लो आप, एटम कह लो आप, एटम कहते हैं वैसे, और ये एटम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, एलिमेंट के बने होते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो हुआ एलिमेंट, यानी एलिमेंट को आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा, एलिमेंट, जिसको एटम भी कहते हैं। और ये जो एलिमेंट हैं बहुत सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं और जुड़कर बहुत सारे मैटर या मटेरियल बनाने का काम करते हैं, जिस जो कि आपको दिख रहे हैं। ठीक, आज तक टोटल जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं 118 एलिमेंट, कितने टोटल 118 एलिमेंट आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 91 मेटल हैं, क्या है, 91 मेटल्स हैं, 21 आपके नॉन मेटल्स हैं और 6 जो बचे हुए जो 6 हैं वो मेटेलॉइड्स हैं, क्या है, मेटेलॉइड्स। तो मैं कह रहा हूं कि टोटल आज तक कितने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 91 तो आपके मेटल हैं, 21 नॉन मेटल हैं और 6 मेटेलॉइड्स हैं, और इन सब के बारे में, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स के बारे में आज ही आपको क्लियर करके बता दूंगा। अब इन टोटल 118 एलिमेंट्स में एक और बात है कि 92 इनमें क्या, 92 तो नेचुरली ऑकर्ड है, यानी जो नेचर में पाए गए हैं। रिमेन जितने बचे हुए हैं, अब लगभग 26 बचे हुए हैं, वो आर्टिफिशियली लैब में तैयार किए गए एलिमेंट्स या फिर एटम कहलाएंगे। ठीक, ये तो बात हुई अपनी एलिमेंट की, जिसमें हमारे जो मेन टॉपिक है वो निकल के आ गए हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। पहले बात करेंगे हम मेटल्स के बारे में, मेटल क्या होता है, तो जितने भी एलिमेंट हैं जो कैटायन होते हैं,
जितने भी एलिमेंट हैं, मेटल क्या मैं बोल रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट हैं जो क्या होते हैं, कैटायन होते हैं। कैटायन यानी पॉजिटिव आयन। कैसा आयन? पॉजिटिव आयन, जिसपे पॉजिटिव आयन हो। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वैसे आपका टॉपिक नहीं है कैटायन वगैरह, नाइन्थ का टॉपिक, एक बार बता देता हूँ मैं कि जो एलिमेंट या एटम जो होते हैं, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव आयन होता है, एटम के अंदर पाए जाने वाले पॉजिटिव आयन्स को प्रोटॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई भी आयन नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल किनको कहते हैं? जिन पे कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है उनको न्यूट्रल कहते हैं। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, एटम या एलिमेंट, ये सभी न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल, यानी इन पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता। पर आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसे एलिमेंट जो कैटायन हो, अभी बता देते हैं वो बात। तो मैं कह रहा था, और इनके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग सेल्स में। ये सारी बातें मैं आपको नाइन्थ में बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले। कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले। अब सुनना, अब आपको ये काम की चीज है, जो एटम होता है, जैसे कि कोई भी एटम है, मान लीजिए इसके अंदर जैसे कार्बन है, जिसके अंदर 6 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और 6 ही होंगे प्रोटॉन्स। यानी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों की संख्या एक एटम के अंदर क्या होती है? इक्वल। जिससे कि इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है? इफेक्ट खत्म हो जाता है। और ये कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। समझ रहे? क्यों होता है एक एलिमेंट न्यूट्रल? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स की जो नंबरिंग है, संख्या है, वो बराबर पाई जाती है। अब होता क्या है, कई बार ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी अपनी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को एक स्टेट, अच्छी स्टेट पाने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। अब देखो आप, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो गई? प्लस वन बराबर 7। यानी कि अभी एटम कैसा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा। तो नेगेटिव आयन वाले एटम को तो कहते हैं एनायन। और कई बार क्या होता है, एटम अपने मेन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्यों कर देता है? वही अपने आप को सेटिस्फाई, आप स्टेट प्राप्त करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जैसे कि 6 - 1 = 5, और टोटल उसमें क्लास कितने, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 5, प्रोटॉन्स रह गए 6, यानी इसमें पॉजिटिव आयन संख्या ज्यादा है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके पास पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा हो जाती है, इनको कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। समझ रहे हो? एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, कई बार जो है एटम के अंदर, एक तो आपको क्या बात याद रखनी है कि एटम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की संख्या होती है बराबर, पहली बात। दूसरी, कई बार एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूज कर देगा तो वो कैटायन बन जाएगा। और कई बार एटम कोई अलग एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वो कैसा हो जाएगा? एनायन। ये आपको कैटायन एनायन मेरे को समझाना था, बुक में नहीं दे रखा है, समझाना इसलिए था, तभी आपको ये मेटल और नॉन मेटल समझ में आएगा। तो मैं कह रहा था कि ऐसे एलिमेंट जो कैटायन बन सकते हो, कैटायन यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो, सभी क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब भी आप समझ लीजिए, केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ेंगे एक्सेप्शन आएंगे। एक्सेप्शन यानी अपवाद, यानी होने को तो वो एलिमेंट क्या हुआ? मेटल, पर वो कैटायन नहीं हुआ। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही अकेला ऐसा मेटल रहेगा, इसका एक्सेप्शन है ये, जो कैटायन नहीं बनाता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा एलिमेंट जो कैटायन बना सके, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, वो सभी क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो कैटायन होते हैं उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव? क्योंकि उनके ऊपर क्या है? आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक। और मेटल जो है, हाँ, नॉर्मल कंडीशन, ज्यादातर मेटल आपको
सॉलिड ही मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है वो जब मैं फिजिकल स्टेट बताएंगे तब आपको क्लियर कर देंगे क्या है क्या नहीं। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, इसकी नॉन मेटल, तो भैया नॉन मेटल क्या है, उल्टा हो जाएगा इसका कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करें गेन करें, इलेक्ट्रॉन क्या कर ले गेन कर ले, तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाएगी, कैसा हो जाएगा ये एनायन, क्या हो जाएगा एनायन, यानी जितने भी एनायन हैं ये नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन है, वो सभी ज्यादातर क्या होंगे नॉन मेटल होंगे। और नॉन मेटल की स्टेट कोई निश्चित नहीं होती, नॉन मेटल आपको सॉलिड भी मिल जाएंगे, लिक्विड भी मिल जाएंगे, और गैसियस स्टेट में भी आपको नॉन मेटल मिल जाएंगे। और जब फिजिकल स्टेट की हम बात करेंगे तो मेटल और नॉन मेटल दोनों में डिफरेंस आपको बता देंगे कि क्या क्या गुण या क्या क्या प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर होती है और क्या क्या प्रॉपर्टी नॉन मेटल के अंदर होती है। अब बात करते हैं हम अपनी मेटलॉइड्स की, ये थोड़ा सा बेसिक चल रहा है कि आपको एक बार समझ में आ जाए मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, इसी के बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। मेटलॉइड की बात करूँ तो ये मीडिएटर होता है, यानी कि ना तो होता है मेटल और ना होता है नॉन मेटल। ये मेटलॉइड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटलॉइड जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, संख्या में 6 पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसकी एग्जांपल की मैं बात करूं तो सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी और भी बहुत सारे हैं, दो और रह गए हैं। तो कुल मिला के ये बात हुई आज आपकी मेटल नॉन मेटल एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर या मटेरियल, मेटल कैटायन जो बनाए मेटल हाइड्रोजन को छोड़ के, एनायन जो बनाए नॉन मेटल, और इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो मेटलॉइड्स। तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट हो जाता है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से पढ़ें, कल से हम स्टार्ट करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।